जब मीडिया एंकर डिबेट में विपक्षी प्रवक्ता को उनके जवाब देते समय टोकता है तो विपक्षी नेता पलटकर एंकर को सुना देते हैं। आज की वीडियो में बात कुछ ऐसे ही वीडियोस की करेंगे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एसपी प्रवक्ता राजीव राय ने सरकार पर निशाना साधा, जिस पर अंजना ने टोकना शुरू किया और इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अंजना को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई भी सरकार हो कानून बना देती है कि कोई एससी एसटी का अगर आपके खिलाफ शिकायत कर दिया तो जमानत भी नहीं होगी, तुरंत आपकी गिरफ्तारी होगी। तो जात पक्ष कर कानून बना देते हैं, प्रधानमंत्री जात का रोना रोते हैं, पार्लियामेंट में मंत्रियों का जात का गिनवाते हैं, और देश अगर जानना चाहे कि किस जात का कितने लोग, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे भी उत्सुकता है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि जैसा कोई प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ा वर्ग नहीं चाहता, तो कुछ कर लीजिए ना, देश में पूछिए ना। नहीं, आप नहीं बताते हैं क्या? आप नहीं बताते हैं क्या? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जाति को गिरवी बना के रखा है, सियासत का जरिया बना कर चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, खुद सवाल करते हैं और आपको सर्टिफिकेट ना देने की ना लेने की जरूरत है। तो आप सवाल का जवाब दीजिए। जी न्यूज पर मुहर्रम पर पाबंदी लगने के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में असीम वकार जवाब दे रहे थे, जिस पर एंकर ने बीच में उन्हें टोकना शुरू किया और सवाल करने शुरू किया, जिस पर असीम वकार ने उन्हें रोका और सुना दिया। आप चाहे उस लेटर को रात भर पढ़ें और दिन भर पढ़ें, घोल कर पी जाएं, लेकिन जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। नहीं सर, जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं है सर। सईद असीम वकार, वकार साहब एक मिनट सुनिए ना। सर मुझे एक बात पता है, सर मुझे एक बात पता है, हाँ मुझे एक बात पता है कि आपको आपके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि अच्छा। सरकार को योगी जी की बचाना वाली है, पढ़ी उसके लिए उल्टा खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप गाइडलाइन ही नहीं पढ़ते, मुर्गा बंदा पड़ेगा, बचाना है। आप कब समझेंगे? पुलिस को बगदादी कहा वो गलत, लेकिन आप मजबूर है सर। पुलिस को तालिबानी कहा वो गलत। अभी आप सईद असीम वकार चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी हिंदी में पढ़ सकते हैं, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी अरविंद जैन, उसके बाद पहले शालामानी त्रिपाठी, उसके बाद अरविंद जैन। सर सर मजबूरियां समझता हूँ आपकी, मैं ठीक है आपके पास, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो हिंदी में है, लेकिन आप मेरी सारी बातें मानेंगे? मुझे आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो हिंदी में है वकार साहब, पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने अपने जवाब दिया। जब कांग्रेस प्रवक्ता बोलने लगे तो एंकर ने उन्हें टोक दिया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्हें सुना दिया। देखिए पूरी तरह से कतर में दोहा में तारीख बता रहा हूँ, 29 फरवरी 2020 को बातचीत हुई है डिप्टी पीएम और अरे बैठे हैं सज्जन आर जी, पूछ लीजिए उनसे, वो तो राजनयिक है, वो राजनेता नहीं है। देखिए मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता, सज्जन झा जी टीवी पर बैठकर क्या क्या बोलते हैं पूरा देश देखता है। आप लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आप लोग बालाकोट को फर्जिकल, आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहते हैं, पूरा देश देख रहा है। अब जरा मैं अपनी पार्टी के नेताओं के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि क्योंकि आपने उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर लिए हैं, बाकी दोनों मेहमान भी बहुत सीनियर हैं उनका। पहली चीज ये बताइए कि 6 अगस्त को जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी तो उस समय पर मोदी जी ने विषय क्यों नहीं उठाया? आप बीजेपी के प्रवक्ता को बीच में बोलने से रोकते नहीं, मुद्दे की बात नहीं करते। आलोक शर्मा जी, अब आप अशोक जी के ऊपर भी सवाल उठाइए, एंकर के ऊपर भी सवाल उठाइए, बाकी प्लीज आलोक शर्मा जी इन चीजों से बाहर निकलिए, है ना। अब आपके हाथ में हाँ अगर कोई नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो उनका समर्थन हो गया। प्लीज आलोक शर्मा जी, अब अशोक सज्जनार जी की बात सुन लीजिए, वो लोग दो बहुत सीनियर अधिकारी मेरे साथ हैं। न्यूज 18 पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने शोएब जमाई से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात करने को कहा, जिस पर शोएब जमाई ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए, जिसके बाद एंकर और उनके बीच तीखी बहस हुई। इन दिनों से ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है किसी भी पैनलिस्ट से जो मुस्लिम वक्ता हो कि भैया तुम्हारा स्टैंड क्या है तालिबान पे, कांग्रेस पे पूछ रहे तुम्हारा स्टैंड क्या है, तो क्या हमारे स्टैंड ज्यादा महत्वपूर्ण है या मोदी जी का स्टैंड ज्यादा महत्वपूर्ण? मुझे ये बता दीजिए क्या मोदी जी का स्टैंड अब तक तालिबान पे क्या है? कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आई कंडेमनेशन पर? मोदी जी कंडेम करके कह दें कि व्हाट तालिबान इज डूइंग इज वेरी हॉरिबल थिंग और हमें तालिबान, तो आप मोदी जी को फॉलो करते हैं जो उन्होंने यूएन में बोला स्टेटमेंट, वो आपने सुना नहीं है? मोदी जी आपका मत क्या है, सॉफ्ट क्यों है तालिबान पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए तो इल्जाम लगा रहा हूँ कि मोदी जी इतना जो नरम पड़े हैं तालिबानियों पे, क्या यहाँ से कोई खुसुर फुसुर कोई इलू इलू चल रहा है, जानम मेरी जिंदगी में धीरे धीरे तुम आना, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ये बताइए, अगर ऐसा चल रहा है तो इसलिए मैं सरकार पे इल्जाम लगाता हूँ। हमारा स्टैंड क्या, क्या सड़क पे सबसे पूछते फिरेंगे कि तुम्हारा भैया स्टैंड क्या है, तुम्हारा क्या स्टैंड? सरकार ने मुझे लगता है अपना स्टैंड क्लियर कर दिया स्पष्ट रूप से, जो विदेश मंत्री ने बोला है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है, वो भारत का स्टैंड होता है। आप इन डिबेट्स को देख के जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब टुडे के साथ। इफ यू
like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.